आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। पैर में यह दुखता है, दर्द होता है। पैर जी, पैर दुखता है आपका? हाँ। आफरीन, आपकी एज कितनी है और कब से दुखता है? कब से दुखता है? और एक तो आपके घर में ये सब वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो अगर झाड़ू पोंछा करना पड़ता है तो कुछ दिन के लिए मत करिए, तो इससे भी ठीक हो सकता है आपका पैर। और अगर दवा की ज़रूरत पड़े तो आप कैप्सूल टी केयर लगातार सुबह शाम खाएं, महीना दो महीना, तो इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। एमपी से अगले कॉलर आदर्श पांडे, स्वागत है आपका। आदर्श जी, हेलो। हाँ जी, सुना मैं भारी मौत आ गई है। जी ठीक है, ठीक है। आप डॉक्टर के इलाज के साथ आपके घर में कोई सुन रहे हो तो समझ लीजिए, शायद हमारी बात आप ना समझ सकें। कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लीजिए और लगातार लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा से पहले की तरह चलने लगे तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर जयंती जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, प्रणाम है। हाँ जी प्रणाम, बताइए। आदाब। वकील से बात। जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। प्रणाम सर। जी सलाम सर, बताइए। मेरा बाएं पैर में दर्द है, क्या सिया गोंद खा सकते हैं? कितना उम्र है आपकी? हो गए 45। 45 साल। हाँ जी, गोंद सिया असली वाला लें और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से लें। और ये कड़वा बहुत होता है, बाज़ार में कुछ लोग नकली भी दे रहे हैं, तो असली मिले तो ज़रूर लें और नहीं मिले तो ना लें। फिर आप कैप्सूल टी केयर लेना है, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने से भी आप ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करें, और अगर घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि ऐसे मरीजों को दोबारा ये बीमारी वापस ना आ सके। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार से हकीम साहब से बात कर रहा था। क्या नाम है जी? जी बताइए। हकीम साहब, मेरा बाल टूट रहा था, उसके बारे में पूछना था सर। का बाल झड़ रहा था सर का। अच्छा। पेट में दिक्कत इतना रह रहा था, पेट पेट पूरा खराब रहता है, गैस रहता है, पूरा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। हमारे उम्र 31 साल है। 31 साल में ये हाल है? अच्छा ठीक है। देखिए, पेट ठीक कर लीजिए, बाल ठीक खुद हो जाएंगे। एक नुस्खा है जो आपके दोनों चीज़ों पर काम करेगा। देखिए, आंवला 200 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम नमक जैतून, ये नमक जैतून एक सफ़ेद रंग का नमक जैसा दिखने वाला रसायन है, जैतून का रसायन कहते हैं, या एस्टेक जैतून कहते हैं, या नमक जैतून हम आसान जबान में कहते हैं। 100-150 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाया करें पानी से। आप देखेंगे ये आपके पेट के साथ दिमाग और बालों की भी खबर लेता है। पंजाब से अगले कॉलर प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, आप पूछिए सवाल, लेकिन अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। बेटे का आई क्यू कम है? कितना वर्ष का है बेटा? 30 साल का है जी। ठीक है, 3 साल का बच्चा है। अभी आई क्यू कैसे देख रहे हैं आप उसका? देखिए, दो अखरोट रोजाना खिलाया करिए, 10 किशमिश के साथ, 5 सुबह 5 शाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट सुबह, और ऐसी शाम को। अखरोट जो छिलावा नहीं, घर में तोड़ के खिलाएं। एक तो ये इलाज है, एक माजून अखरोट प्राश भी आती है, वो आधा आधा चम्मच भी खिला सकते हैं दूध के साथ। बच्चे का ब्रिलियंट होना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। अगले कॉलर सविता जी यूपी से, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं बात करवा दूँ। जी बात हो रही है आपकी, सवाल करिए आप।
आदाब। हाँ जी, हमारा 4 साल का बच्चा है जी, वो बहुत कम बोल रहा है जी, बोलता नहीं, अरे साफ नहीं बोलता। ठीक है, साफ नहीं बोलता, ठीक है। 4 साल का बच्चा, तो देखिए शुद्ध शहद मिल जाए, अगर शुद्ध होना चाहिए। आजकल बेईमानी बहुत है, मैं तो बड़ा डरता हूँ दवाएं बताने में भी, मुझे दवाएं बता देता हूँ वो भी नकली देते हैं लोग, और मेरी बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। तो ये शुद्ध अगर शहद मिल जाए तो उसमें जैसे 100 ग्राम शहद हो तो उसमें 25 ग्राम आप ये जो काली मिर्च है ये पीस कर मिला दें, और उसे रोज़ाना समझ लीजिए आधा चम्मच शहद और वो मिली हुई आधा चम्मच ये आप खिला दिया करें मिर्चें, वो खा ले तो उसे अगर पानी गर्म पी ले तो बहुत अच्छा है। ऐसे आप एक खुराक रोज़ाना दिया करिए, अगर खाली पेट ले ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर रात को सोते में दिया करिए। मुझे उम्मीद है बच्चा ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर नरेश जी राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी जी नरेश जी, सवाल करिए। हाँ जी, सवाल ये था कि तो पेट में मैं लेटने कोई कमी होती मेरी, सुबह पेट में लेटने नहीं होती है, घुटनों में दर्द है, मोशन पास नहीं होता है खुल के, और पैरों में दर्द है। हाँ जी, ठीक है, घुटनों में दर्द है। देखिए मोशन के लिए दो नुस्खे बता रहा हूँ, अगर आप लिख लें तो बहुत अच्छा है, या रिकॉर्ड कर लें मेरी आवाज़, दोनों बातें की है, आपको बात समझने में आसानी हो जाएगी। 200 ग्राम आंवला सूखा मिलता है, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम मेथी, 200 ग्राम सौंफ लें और उसको पाउडर बना लें, और 100 ग्राम मुश्किल से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा नमक जैतून, ये सफ़ेद रंग का एक नमक जैसा दिखने वाला रसायन है जो नमकीन नहीं होता, 100 ग्राम ले लें, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाया करें, फिर देखते हैं कि आपको कैसे मोशन नहीं होता। और ये पेट के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज़ एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा नुस्खा आप लिखें कि गोंद स्याह मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, और पानी से या बगैर चर्बी के दूध से या रईस हैं तो जूस से खाएं, आपको ये 100 ग्राम भी अगर मिल जाए तो ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। अगले कॉलर इंदु पंजाब से, स्वागत है इंदु जी। हाँ जी, उन्होंने काला पीलिया हो रहा है लड़के ने, 25 साल की उम्र है, काला पीलिया हो रहा है 25 साल की लड़के की उम्र है, रोटी भी बहुत घट खाता है, रोटी भी नहीं खाता, रोटी भी बहुत घट खाता है, खाता है भुख नहीं लगती, एक साइड पे ना पासे दे काली छाइया भी बड़ी ने, काली छाइया भी बजी है खाना बहुत कम खाता है, भूख नहीं लगती है, 25 साल इनके बेटे की उम्र है। 25 साल जी, पक्का? हाँ जी, 25 साल है ना आपके बेटे की उम्र? हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए एक नुस्खा बड़ा कामयाब है ऐसे लीवर के मरीजों के लिए, जॉन्डिस के मरीजों के लिए, पेट के मरीजों के लिए, भूख ना लगने वाले मरीजों के लिए, लेकिन समझना ज़रूरी है। आप तो पंजाबी जी, पंजाबी में ही लिखो लेकिन ठीक से लिखो। आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम, इसको पाउडर बनाओ, और एक एक आंधा जी वो क्या बोलते हैं कलौंजी दा नमक, इस देखने में नमक जैसा होता है और जायके में नहीं होता। अब ये 100 ग्राम मिल जाए तो इसमें मिलाकर पाउडर बनाओ और आधा आधा चम्मच से एक एक चम्मच तक भी खिला सकते हैं, छोटा चाय का चम्मच पानी के साथ, आप देखोगे जी पहली खुराक से ही उसको आसानी होगी, और ये जल्दी भी फ़ायदा हो जाए ना तो इसको पूरा ख़त्म कराना है, जब तक नहीं छोड़ना, ताकि इसकी ये बीमारियाँ वापस ना लौट सके। हमारे साथ नंदू जुड़ गए हैं, स्वागत है नंदू जी। हेलो जी, नमस्कार अतुल सर, थोड़ा तेज आवाज में बात कर लीजिए। जी ठीक है, कल यहाँ था अपनी मदर के लिए बहुत टाइम पहले। जी जी
सौंफ और जीरा अजवाइन काला नमक वाला पेट के लिए, उससे सभी लोगों को बहुत फायदा है, मैंने वो कई लोगों को बताया है। ठीक है ठीक है, क्या अभी और? अभी फिलहाल के लिए मेरे ताऊ जी के ना घुटनों में और पैर के टखनों में बहुत तकलीफ रहती है, तलवों में उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा, तो उसके लिए उम्र बता दी कुछ दवा हो सकती है। ताऊ जी की उम्र बता दीजिए। उनकी उम्र 51-55 के आसपास है। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि एक गोंद ऐसा भी है जो कीमत में 10-12 रुपए रोज़ की दवा पड़ती है, उसे काला गोंद कहते हैं, लेकिन उसमें भी लोग नकल बना लेते हैं। तो ये काला गोंद यानी गोंद स्याह कड़वा होता है जायके में और मिलता ज़रा मुश्किल से, यह नकली मिल जाता है। असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम ताऊ को खिलाइए, आप देखेंगे ताऊ खाते खाते जैसे पहले थे ऐसे हो गए। और अगर नहीं मिले तो मत लेना, नकली मत लेना, या हमारी वेबसाइट पर सर्च कर लेना कैसा होता है, वो मेरे फेसबुक पेज पर भी पड़ा हुआ है। और फिर अगर वो नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, सुबह शाम खिलाइए ताऊ को, मेरा भी सलाम कहना, उनसे कहना लगातार खाएं, अगर एक महीने में फायदा हो जाए 3-4 महीने खाकर ही छोड़ना है, ये मेरा उनसे निवेदन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका हेमा जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी, नमस्कार जी, आदाब जी। मैडम जी, हम गर्म पानी पीते हैं या कुछ भी चीज खा लेते हैं तो मुंह में छाले जाते हैं, अचानक अपने यहाँ 8-5 दिन में मुंह में छाले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, और कुछ बताना चाहें तो बताइए। कितनी उम्र है? हमारी 46 साल। 46 साल, ठीक है। तो देखिए, गर्म पानी पीने से कभी मुंह में छाले नहीं होते, इतना गर्म तो आदमी पी नहीं सकता कि छाले पड़ जाएं, लेकिन पेट की खराबी से या मल्टी विटामिन्स की कमी से हमारे मुंह में छाले होते हैं, और जिनके मुंह में छाले होते हैं अक्सर उनके पेट में भी छाले होते हैं, आंतों में। तो याद रखें कि हम पेट ठीक कर लें अपना। एक नमक आता है जैतून का नमक, आप ले लें 100 ग्राम, ये रसायन होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये नमक जैसा होता है देखने में बिल्कुल वैसा ही, एक चुटकी जितना, ये चुटकी है ना, एक चुटकी सुबह पानी में डाल के पी लें, ठंडे पानी में पी लें चाहे, एक चुटकी शाम, कुछ दिन अगर ये लेते हैं तो ये आपके मल्टी विटामिन कमी को पूरे करेगा, लीवर को अच्छे से काम कराएगा, और गर्मी जिसकी वजह से दाने होते हैं पेट को भी अच्छा रखेगा, इन्फेक्शन कोई होता है तो उसको भी दुरुस्त कर सकता है। बिहार से नेक्स्ट कॉलर दिनेश जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। दो दिन से मुझे हिचकी आ रहा है। हिचकी 2 दिन से। हाँ, बहुत परेशानी होगी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। हेलो, बिहार से। अच्छा देखिए, बिहार से अगर आप बोल रहे हैं तो कैसे करेंगे, गोंद मोरिंगा सफ़ेद चाहिए, और इसको आप अगर एक खुराक भी ले लेंगे तो फौरन हिचकी रुक सकती है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद ये सबसे अच्छी दवा है, और अगर ये नहीं मिले तो आप दही समझते हैं, दही लें ऐसे 1/4 किलो करीब, और एक लोहा गरम करें आग पर, बिल्कुल लाल कर लें, और जब ये बिल्कुल लाल हो जाए तो वो आग से निकाल कर दही में उसमें घुसा दें, और जब तक वो ठंडा ना हो उसे घुसाए रखें, जब ये ठंडा हो जाए तो इस दही को आप चम्मच से खा लें, इससे भी आपकी हिचकी रुक सकती है। जी, लुधियाना से आशा जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, स्वागत है आशा जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी बोल रही हूँ, मैं जब खाना खाती हूँ या मुंह खोलती हूँ ना चोर से, तो मेरे मुंह में से खटखट की आवाज आती है जी। गुटखा तो नहीं खाते? जबड़ा खोलो ना तो जबड़े में से आवाज आती है खटखट की। गुटखा वगैरह तो नहीं खाया कभी आपने? नहीं, कभी नहीं खाया। छाली पान ये वो? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना हमारा लॉक होता है, तो कोई ज़्यादा कोई ऐसी सख्त चीज़ खाता है ना, जैसे कुछ औरतें छाली खाने लगती हैं, कुछ जो इमली के बीज चबा के खाने लगते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं तो मत खाइए।
और आप देखिए इसकी रिपेयर के लिए रोज़ाना एक नारियल पानी में आधा ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद डाल के एक बार रोज़ाना पिए, और अगर जल्दी भी ठीक हो जाए तो 2-3 महीने तक पीना, ताकि वरना ये कभी कभी अटक जाता है और बहुत परेशान करता है, तो इसका इलाज करिए, नहीं तो इसकी अटक कभी कभी हमारा ना ऐसा अटकने लगता है कि मुँह ही टेढ़ा होने लगता है। वैसे ये रोग अक्सर उनको होता है जो लोग बहुत गुटखा खाते हैं, लेकिन आप तो नहीं खाते तो आपका रोग जल्दी ठीक होना मुमकिन। कॉलर लक्ष्मी दिल्ली से, स्वागत है लक्ष्मी जी। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा गुर्दे में बहुत दर्द रहता है। गुर्दे में बहुत दर्द रहता है? घुटने में। घुटने में, ठीक है ठीक है। हाँ, एज क्या है आपकी? मेरी 56-57। लक्ष्मी जी, ये उम्र में दर्द होता है और बस दो इलाज हैं यूनानी में, एक तो ये विश्वास और एक ये असली दवा मिल जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ। असली दवा का नाम है गौंद स्याह, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, पानी से, दूध से या रई से, लक्ष्मी तो रई से लोगों को पास होती है, तो जूस से भी ले सकते हैं शुगर नहीं है तो, अगर ये ले तो असली ले, कड़वा होता है बहुत, नकली बहुत मिलता है, असली लेना ज़रूरी है, या फिर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें, आपके हर जोड़ हर नर्व का इलाज मुमकिन है।